स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। खान सर का वीडियो है तो मतलब पूरी डिटेल्स में हमें जानकारी मिलने ही वाली है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। आप हमेशा आधे अधूरे तस्वीरों के साथ क्यों आते हैं? अभी आप मोदी और अडानी को दिखा रहे थे, आप अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की कब दिखाएंगे, अडानी और मनमोहन सिंह की कब दिखाएंगे, और अडानी और गहलोत जी की कब दिखाएंगे, और अडानी और भूपेश बघेल जी की तस्वीर के साथ आप क्यों नहीं आए आज? सारी तस्वीरें मैं ही दिखा दूंगी तो ये क्या दिखाएंगे? पहली बार अब मेरी बात सुनो, सवाल किया, सवाल का जवाब दे। सुनो, तुमको डांट रही है, सवाल का जवाब कांग्रेस का यही है, आप जरा तीखे सवाल पूछ दो। जफर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप वो डेकोरम मेंटेन करेंगे। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर बड़ी बरगलाने वाली एक बात कही गई, मतलब वो सुन के मुझे लगा कि किस तरह का नैरेटिव मोड़ने की कोशिश हो रही है। टाटा बिरला से कंपैरिजन होने लगा। आप किसी बिजनेस हाउस से अडानी को कंपेयर कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि देश में अपेक्षाएं बढ़ गई पिछले 10 साल से। बिल्कुल, ये अपेक्षा के कारण ही है कि लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपेक्षा पूरी करे इस देश में। अंजना जी आप बताइए, 1951 से चुनाव हो रहे हैं, कब इस देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा नहीं रहा? हमेशा रहा, लेकिन लोगों ने विश्वास जताया अलग अलग नेतृत्व पे कि ये हमें आगे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अरे हरित क्रांति लाई, इतने इतने इंडस्ट्रीज लगाए, सब कुछ किया, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चली थी। लेकिन आप 2004 से 14 जो कहते हैं प्रधानमंत्री की ब्लैकआउट, मैं इसको कहूंगा, वो ब्लैकआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2009 से 14 आप देखिएगा तो जितने यहां युवा बैठे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्कैम ही दिखाई दिया, पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई दी। क्या भारत को इस कंडीशन में आना चाहिए कि हमें कोई निर्णय लेना है उसके लिए सोचने में 6 महीने लगा दें? राजनीति में जनता ही क्षमा जलाती है कि किसकी महफिल में क्षमा जली है, तो 2014 से लेके अभी तक क्षमा तो जल रही है, किसकी महफिल में जल रही है हम सब देख रहे हैं। लेकिन नैरेटिव अलग अलग तरीके से अलग अलग से आता है। क्या देश के प्रधानमंत्री जो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं अडानी जी को आगे बढ़ाया, ये आरोप है जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन एक चीज तो हमने देखा कि इसी देश के प्रधानमंत्री का प्लेन गया था एंडरसन को मिलने के लिए भोपाल में यूनियन गैस ट्रेजडी के बाद, ये तो ऑन रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री का प्लेन गया, क्या बोल रहे हैं? इस देश के सरकारी प्लेन, सरकारी प्लेन से एंडरसन को भोपाल से भगाया गया था। एक मिनट, सरकारी प्लेन था। कौन थे? एंडरसन को भगाया गया था भोपाल से, एंडरसन को भोपाल से भगाया गया था, ये प्रूवन बात है। अब उसका कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि राजीव गांधी चले गए। जो मर्जी बोल के चले, ऐसा बात है, जो मर्जी बोल के नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। आप बोलिए सरकारी प्लेन नहीं था तो मैं अगर शराबबंदी की वजह से कुछ, आप शराबबंदी पे आ गए, बड़ी दिक्कत है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ शराबबंदी, 80 लोग मर जाए, एक आदमी जेल में ना जाए। अंजना जी, मैं आलोक जी की बात में संशोधन कर दूं, भारत सरकार का नहीं मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन था जो कि एंडरसन को दिल्ली तक छोड़ के गया था। यूनियन मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। अरे भाई, जिसने भेजा था उसको जेल पहुंचाते ना, 2G पे भी बड़ा शोर मचाया था। नैरेटिव 2G में 1,76,000 उसके बाद चुप, एक नैरेटिव की बात हो गया, फिर उसके बाद चुप। भाई महागठबंधन जांच बताइए, जो महागठबंधन की सरकार है बिहार में शराबबंदी है। एक मिनट आलोक जी, ये तो मानेंगे ना, ये मानेंगे ना, महागठबंधन की सरकार है। अरे दोनों का नाम आलोक है, आराम। आलोक जी एक मिनट, मैं एक बात, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आलोक की कच्ची बहन यहाँ पर बात करिए। अजय आलोक को बोल लेने दीजिए, इतना गुस्सा। अरे मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ भाई, क्या देश को ऐसा नेता चाहिए कि कोई उनसे पूछे कि शराबबंदी में छपरा में लोग मर गए 50 से लोग? अच्छा कब हुआ? हमको पता नहीं, हम पता करते हैं। उस पार्टी में तो आप बहुत दिन रहे, दिन, इसलिए तो मैं कह रहा हूं उस पार्टी में मैं था, क्यों अलग हुआ ये बता रहा हूं। रिलक्टेंट लीडर्स की फौज हो गई अपोजिशन। भार चोक सब भार में, रहीमन उतरे पार, वे डूबे मजदार में जिनके सर पर भार। ये लोग रिलक्टेंट हैं, जितने अपोजिशन के लीडर हैं रिलक्टेंट हैं, मोदी जी के सामने नैरेटिव ही नहीं दे रहे हैं कि देश को कैसे आगे ले जाना है। मुझे लगता है ये बताएं आलोक जी, तरक्की से जलन है या तरक्की की रफ्तार से जलन है? किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मान। और भाइयों बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। लेकिन दिक्कत तो बीजेपी में भी है ना, है या नहीं सीट शेयरिंग पे? देखिए सबसे पहले मानक जी, ये सारी लोकतांत्रिक
ढांचे में पार्टियां क्या करती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोगों का क्लियर है कि हमारे पास पीएम मोदी है, मिशन और विजन वाले हैं, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाना है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, 60 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाना है, 15 करोड़ लोगों तक जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से पर कैपिटा इनकम डबल की है, मिडिल क्लास की इनकम 4 गुना की है, डबल रेट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। परंतु सुनिए क्या कहते हैं जेडीयू के गोपाल मंडल जी, अब तक खंडन नहीं हुआ इसका, लोग क्या स्वीकार करेंगे, नहीं मानेगी, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानते, ये बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी कभी खड़गे जी को इस प्रकार से नहीं बोलते हैं जो खड़गे फड़गे बोल रहे हैं। उसके बाद चिरकू छुटवैया धोखेबाज, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश, कांग्रेस के लिए ये अखिलेश अखिलेश से ना ये खड़गे फड़गे तक। अब देखिए यहां तो ये डेमोक्रेसी है। देखिए ये इंडी गठबंधन है कहां, पहले तो दूरबीन की आवश्यकता है, जहां पे ऑलरेडी गठबंधन, तमिलनाडु में पहले से गठबंधन, हाँ। कर्नाटका में 1-on-1 फाइट है, मध्य प्रदेश में 1-on-1 फाइट, राजस्थान में 1-on-1 फाइट, यूपी में चाहिए गठबंधन वहां नहीं हो रहा, पंजाब में चाहिए गठबंधन वहां नहीं हो रहा, दिल्ली में चाहिए गठबंधन वहां नहीं हो रहा। आप देख लीजिए ना, जहां चाहिए वहां पर तो हो नहीं रहा, बंगाल में चाहिए गठबंधन वहां नहीं हो रहा, और फाइट हो रही है वहां पर, और जहां पर ऑलरेडी है तमिलनाडु में फॉर इंस्टेंस पहले से ये लोग साथ में, तो क्या ऐड होने वाले इंडी गठबंधन से? आंध्र प्रदेश में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, नहीं हो रहा है, केरल में एक दूसरे के खिलाफ है। अच्छा प्रियंका जी, जातिवादी मानसिकता किसकी है, किस पार्टी के लिए आप ये कह रही हैं? जातिवादी मानसिकता उन लोगों की है जो 90 के दशक को जंगल राज बोलते हैं, क्रिस्टोफर जाफर लोड को जाकर के आप लोग पढ़िए जो बोलते हैं जंगल राज को, क्रिस्टोफर जाफर लोड ने सोशल रिवॉल्यूशन के दौर कहा था 90s को। शायद आप बिहार की राजनीति में आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है, क्या MY राजनीति JDU के लिए और RJD के लिए, खासतौर पर RJD के लिए सबसे प्रमुख नहीं रहा, आप नकारती है इसको? मैं समझती हूँ, ठीक है, मैं एक बात बोलूँ, बताइए, मैं अब बोलूँ, बोलिए, क्या अल्फाबेट्स जिन्होंने पढ़ा है वो A to Z नहीं पढ़ते हैं क्या, और A से Z के बीच में M और Y नहीं आता है क्या? तेजस्वी जी, हम लोग मुझे बोल रहे हैं शुरू से की राजनीति करते हैं, A से Z की जो राजनीति है, A से Z की राजनीति है RJD कर रही है। भाजपा के जैसे कोई टीवी पार्टी नहीं है ना, कि सिर्फ दो ही समुदाय भाजपा में भरा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन भी ले रहा है, नौकरी भी ले रहा है, और हर जगह वही लोग भरे पड़े हैं, VC भी वही बने हुए हैं, नेमतुल्ला जी JDU फंस गई है क्या, नीतीश कुमार फंस गए हैं क्या RJD के साथ, सीधा जवाब। हाय मिस्टर पांडे, दोस्तों आप देखते हो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जो हर बात पे मोदी जी की मतलब बेइज्जती करते रहते हैं, वो आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या नीति है, वो कोई भी मुद्दा हो सिर्फ लेकर आ जाते हैं, जैसे 2024 के अंदर उनको चुनाव जीतना है तो मोदी जी को किसी भी बात पर घेरना चाहते हैं, परंतु उनके पास मुद्दा भी नहीं है कि मोदी जी को घेर सकें, क्योंकि 2014 के बाद से 2024 तक 10 साल में बहुत सा काम हुआ है, तो उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं, तो वो मोदी जी कैसे घेरें, फिर भी वो कहीं से कहीं मुद्दा ढूंढ के लाते हैं, जैसे 2018 के अंदर राफेल वाला मुद्दा था तो कह रहे थे कि इसके अंदर बहुत से घोटाले हुए हैं, घोटाले तो कांग्रेस ने किए हैं, BJP काल में तो नहीं, फिर भी कह रहे हैं ये BJP ने करवाए थे, तो उनके पास बचा कुछ नहीं है, बस वो अपनी स्पीच में मोदी जी को कोसते रहे। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख, बाकी हमें तो बहुत पसंद आया वीडियो, आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।